नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। आने वाले वक्त में प्रदेश में जो उपचुनाव होने हैं, जिनमें एक लोकसभा का उपचुनाव है खंडवा सीट पर और 3 विधानसभा के उपचुनाव है, लेकिन क्या खंडवा सीट को लेकर कांग्रेस के अंदर अभी से टिकट चयन को लेकर उबाल है? यही सवाल है कि कांग्रेस के अंदर कलह जो है वो निकलकर अब सामने आने लगी है। ऐसा क्यों? दरअसल ये कलह की बात निकलकर इसलिए सामने आई कि कमलनाथ जो है उन्होंने बीते दिनों भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे पूछा गया कि कमलनाथ जी, अरुण यादव जो है सक्रिय हैं खंडवा में, दावेदार हैं वो वहां पे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, उसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई। कमलनाथ ने जवाब दिया था उन्हें तो पता ही नहीं है, अरुण यादव ने उनको कुछ जानकारी ही नहीं दी है कि अरुण यादव चुनाव लड़ना चाहते हैं, और पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी वो सर्वे के आधार पर टिकट देगी और कांग्रेस सर्वे के आधार पर जो खरा उतरेगी उसको ही अपना प्रत्याशी बनाएगी। अब इस बात की मायने आप ऐसे समझिए, हालांकि दोनों ही चीजें हैं। कांग्रेस के अंदर क्या संवादहीनता अभी भी कायम है? अरुण यादव खुद एक बड़े कद के नेता है। अरुण यादव अगर अपनी दावेदारी जता रहे होते तो क्या वो कमलनाथ को बताते नहीं? एक सवाल तो ये उठता है। या फिर ऐसी जो स्थिति है जिसे हम कहते हैं संवादहीनता, कांग्रेस के अंदर आपस में बातचीत, वो निकलकर सामने क्यों आ रही है? कमलनाथ को क्यों ऐसा कहना पड़ रहा है कि अरुण यादव लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ना चाहते उनको पता नहीं? तो क्या कांग्रेस में बढ़ती हुई बड़े नेताओं की दूरियां इस तरीके से निकलकर सामने आ रही है? हालांकि दमोह की जीत से उत्साहित कांग्रेस चाहती है कि प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस को कामयाबी हासिल हो, यही वजह है कि कांग्रेस खंडवा सीट पर भी ताकत झोंकना चाहती है। हालांकि अरुण यादव के नाम को लेकर यह अरुण यादव सक्रिय देखे जाते हैं, ये बात सच है, क्षेत्र रहा है उनका, और उसी चीज को लेकर अब सवाल ये उठे कि अगर अरुण यादव सक्रिय थे तो उन्होंने कमलनाथ को क्यों नहीं बताया? लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में अब कहा जा रहा है कि खंडवा सीट पर भी आलाकमान सब चीजों को परखेगा। कमलनाथ का अपना कद है, लेकिन अरुण यादव भी पार्टी हाईकमान में अच्छी स्थिति रखते हैं, उनकी एक अच्छी छवि हाईकमान के सामने भी। अब इन तमाम स्थितियों के बीच में मुकुल वासनिक जो हैं प्रदेश के प्रभारी, वो आएंगे 29 जुलाई को, बैठक करेंगे, कांग्रेस की बैठक होगी, उसमें मंथन किया जाएगा। दरअसल इस मंथन को फीडबैक के तौर पर भी समझा जा सकता है कि फीडबैक लेंगे मुकुल वासनिक, उसके आधार पर आकलन होगा खंडवा सीट को लेकर या तमाम चीजों को लेकर। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो स्थिति है वो कलह की एक बार फिर निकलकर सामने आ गई है। कमलनाथ को कहना पड़ रहा है उन्हें पता नहीं, अरुण यादव कह रहे हैं कि दावेदारी अभी तक उनके सामने खुलकर आई नहीं है, तो इस संवादहीनता में कई सवाल उठ भी रहे हैं। आप देखते रहिए एमपी तक।